देश में बढ़ते पेट्रोल और डीजल की कीमतों के खिलाफ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने शहर में आज बैलगाड़ी, ठेला गाड़ी एवं रिक्शे में जुलूस निकालते हुए डीसी कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ता सब्जियों की माला पहने नजर आए, साथ ही खाली एलपीजी की खाली सिलेंडर एवं बाइक ठेले में लोड कर शहर का भ्रमण किया। जिला अध्यक्ष विजेंद्र सिंह ने कहा कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि होने के कारण खाद्य पदार्थों के मूल्यों में भी वृद्धि हो रही है। महंगाई चरम पर होने के कारण एक आम आदमी दो वक्त की रोटी भी नहीं जुटा पा रहा है। कृषि कार्यकर्ताओं ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर अंकुश लगाने की मांग भाजपा सरकार से की है। मांगे नहीं माने जाने पर कार्यकर्ताओं ने उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। अपने प्रदर्शन के दौरान धनबाद समरनाले पहुंचे कांग्रेसी कार्यकर्ताओं और धनबाद इंस्पेक्टर सह थाना प्रभारी के बीच धक्का मुक्की भी हुई। दरअसल समरनाले में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के द्वारा प्रदर्शन के दौरान धनबाद इंस्पेक्टर सह थाना प्रभारी अशोक सिंह वहां पहुंचे और कांग्रेस कार्यकर्ताओं को समरनाले परिसर से बाहर निकालने लगे। इस बीच थाना प्रभारी द्वारा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष विजेंद्र सिंह के भी कमर में हाथ लगा, उन्होंने बाहर जाने को कहा। पहले तो कांग्रेस के जिला अध्यक्ष ने इस पे ध्यान नहीं दिया, लेकिन थाना प्रभारी द्वारा 3-4 बार समरनाले परिसर से बाहर करने के इस अंदाज पर वो आक्रोशित हो गए। जिला अध्यक्ष ने थाना प्रभारी को हिदायत भरे लफ्जों में होश में रहने को कहा, जिसके बाद कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने थाना प्रभारी के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए उनके साथ धक्का मुक्की करने लगे। वहीं धनबाद इंस्पेक्टर सह थाना प्रभारी अशोक सिंह ने स्थिति को भांपते हुए अपने आप को शांत रखना ही उचित